In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Good morning. We are on page number 45 and we will read the paragraph number 3. Ibrahim Lodi, however, hesitated to fight that despite his one lakh man and his army many hundred of elephant. Ibrahim Lodi jo hai wo bawajood ek lakh aadmi hone aur sainkdon elephant hone ke bawajood bhi jo hai wo hesitate kar rahe the, pareshan ho rahe the, dar rahe the, hichkicha rahe the ladai karne se. In order to incite his enemy to attack, usne incite kehte hain uksana, apne dushman ko ladai ke liye uksane ke liye Babar sent his soldier by the night to harass the Ibrahim Lodi's force. Usne jo hai raat ko apne aadmi bheje ki wo Ibrahim Lodi ki force ko jo hai wo harass kar sake, dhara sake. On the morning of 21st April 1526, 1526 ki first 21st April thi, exasperated kehte angry hona. Ibrahim finally started assault kehte attack karne ka. He forced Babur's right wing back, wo uske daaye haath ko wapas bhejna cha raha tha, but his own army was stoically overwhelmed and by the cannon fire and the matchlock man drawn up in the center. और उसकी अपनी आर्मी ही जो है वो उसमें हलचल मच गई और वो जो लोग सारे थे वो दरमियान में आ गए. By the cannon fire and the matchlock men drawn up in the center, वो दरमियान में आगे terrorized by the noise of the gunfire. और इसके अलावा जो है वो घबरा गई थी, उनकी एलिफेंट जो थे वो घबरा गई थी उसके डर से. कैनन फायर जो हुआ तो उसके डर से जो है वो घबरा गई थी. द एलिफेंट्स ट्रम्प्ड मेकिंग एनी फर्दर अटैक, और उन्होंने जो वो एलिफेंट में जो है वो भगदड़ मच गई थी, वो खुद ही जो है वो भागना शुरू हो गई थी. मेकिंग फर्दर एनी अटैक इम्पॉसिबल, और उन्होंने जो है वो दूसरे हमलों को नाकाम बनाने के लिए इब्राहिम लोदी फोर्स क्विकली इनसर्कल्ड एंड डिस्ट्रॉयड, और हमलों को नाकाम बनाने के लिए वो इनसर्कल हो गई, इकट्ठी हो गई और उसी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गई. बार कारवर मैन एंड आचर, और उसके घुड़सवारों ने और उसके जो तीर अंदाज थे उनके हमलों का निशाना बन के और वहीं पर वो ख़त्म हो गई. एट बाई मिड डे दिन के दरमियान में हिज कैंप वाज डिस्ट्रॉयड, उसका जो कैंप था वो दबा कर दिया गया था. ऑल्दो हिज बॉडी वाज नॉट फाउंड, अभी तक उसकी जो जैसे हाकी था वो नहीं मिला था. अंटिल लेटर इट वाज डिकैपिटेड एंड हेड वाज बोरोड टू बाबर, और उसका जो सर था वो कलम कर दिया गया था और उसका सर जो बाबर के पास लाया गया था. एज अ मार्क टू रिस्पेक्ट द डेड सुल्तान, और ऐसे उसने एक मरे हुए शख्स को या मरे हुए सुल्तान को जो है रिस्पेक्ट देने की खातिर क्या उसने ऐलान किया. बाबर लेटर हैड अ मोनूमेंट इन रेक्ट ऑन द स्पॉट वेयर ही फेल, अब उसने वहाँ पर जो है एक मोनूमेंट बनाने का, एक यादगार बनाने का ऐलान कर दिया जहाँ पर वो गिरा था. वेरी क्विकली आफ्टर द बैटल, और बहुत जल्दी ही जो है वो बैटल के बाद, लड़ाई के बाद बाबर भी केम द प्री ऑक्यूपाइड विद द प्रोटेक्टिंग द ट्रेजर ऑफ दिल्ली एंड आगरा, उसके बाद जो है उसने खजानों को संभालना शुरू कर दिया दिल्ली और आगरा में. फ्राम द प्लेज बाय हिज ओनर हिज ओन विक्टोरियस ट्रॉप्स, उसने अपने ही जो है वो जीते हुए ग्रुप्स जो थे वो उसके ट्रेजर को, उसके खजानों को नुकसान पहुँचा रहे थे, उनसे जो है खजाने बचाने का फैसला कर लिया. ही सेंड हुमायूं हिज सन हु वाज ओनली 17 ईयर ओल्ड, उसने अपने बेटे को भेजा हुमायूं को टू आगरा, आगरा में भेजा जो तकरीबन जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल थी. एंड वाइल ही हिमसेल्फ मार्च्ड ऑन दिल्ली, और वो खुद जो है वो दिल्ली की तरफ गया, दिल्ली में जो है वो उसने दिल्ली की तरफ सफ़र किया. वेयर ही हैड प्रेयर रीड इन हिज नेम इन द ग्रेट मॉस्क, उसने वहाँ पर अपना नेम पढ़ा एक बहुत बड़ी मस्जिद में नियर बाय, प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ बादशाह, उसके बाद उसने वहाँ पर ऐलान कर दिया कि वो बादशाह है, एम्पीरियर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का जो है वो बादशाह है. एट आगरा, आगरा में बाबर वाज ग्रीटेड बाय हुमायूं, हुमायूं से जो है वो बाबर मिला हु प्रेजेंटेड द कॉन्क्रीट विद द मैग्निफिकेंट डायमंड एंड कार्ड कोहिनूर, उसने जो है वो उस वहाँ पर उसने बहुत बड़े फाते को जो है वो एक बहुत ही अहमियत का हामल जो है मैग्निफिकेंट जो है वो डायमंड दिया जिसका नाम था कोहिनूर. द रूलिंग फैमिली ऑफ गालियर हैड गिवन इट टू हुमायूं एंड बाबर रिकॉर्डेड दैट गेम कलेक्टर एस्टिमेटेड इट्स वर्थ ऑन होल वर्ल्ड्स
एक्सपेंडिचर्स फॉर हाफ टेप तमाम, उसने जो है वो उसका कोहिनूर का जो है वो तखमीना लगाने के लिए किसी को बुलाया और कहा कि इसका तखमीना लगाया जाए, तो उसका तखमीना लगाया गया तो उसने कहा कि दुनिया के तमाम अखराजात आधे दिन के जो हैं। बाबर इमीडिएटली रिफ्यूज, बाबर ने बहुत जल्दी ही इनकार कर दिया हिज रिच गिफ्ट एंड ऑफर इट टू बी वन हु वांटेड टू गिव इट टू हिम। अब उसने इसको पेश करना चाहा उस बंदे को जो उसको पेश कर रहा था, इट वाज हुमायूं, और वो कौन था, हुमायूं था।